देश में कैंसर का इलाज अब और अधिक सस्ता होगा। वह दिन दूर नहीं जब भारतीयों को कैंसर के इलाज के लिए विदेशों में महंगी दवा का यूज नहीं करना पड़ेगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR ISBT पालमपुर के वैज्ञानिकों ने ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज और खाद्य निर्माण क्षेत्र में उपयोगी एंजाइम को खोजा है। बैक्टीरिया का शोध करने के बाद एंजाइम की सत्यता परखी गई, जिसमें वैज्ञानिकों को पूरी तरीके से सफलता मिल गई। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। हेलो गाइज, मैं हूँ रजनीश और स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में। इसके साथ ही HIV से निपटने की दिशा में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन विकसित की है जो HIV से प्रभावी और सुरक्षित तरीके से मुकाबला कर सकती है। इस वैक्सीन से आने वाले समय में HIV का घातक संक्रमण के रोकथाम में मदद मिल सकती है। यह कामयाबी अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं को मिली है। शोधकर्ताओं ने कई तरह के HIV वायरस को संयोजक के मैसेज नामक वैक्सीन ईजाद की है। इतना ही नहीं, बंदरों पर किए गए परीक्षण में इसे पॉजिटिव परिणाम को सामने आए हैं। बंदरों पर परीक्षण में इस वैक्सीन का HIV के खिलाफ इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में प्रभावी पाई। इस अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता डॉन वाची ने इस महत्वपूर्ण को कदम बताया है। बता दें कि दुनिया भर में करीब 3.7 करोड़ लोग HIV/AIDS से पीड़ित हैं। हर साल इसके अनुमानित 18 लाख नए मामले सामने आते हैं। इसे निपटने के लिए प्रभावी और सुरक्षात्मक वैक्सीन की जरूरत थी। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे और इस वैक्सीन को तैयार करने के बाद वैज्ञानिकों को HIV पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेने में सफलता हासिल कर ली है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस तरीके से कैंसर का इलाज जो है संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर में मौजूद बैक्टीरिया खुद को मौसम के अनुकूलित आसानी से ढाल लेते हैं। इन बैक्टीरिया में कुशल और ग्लूटामिनेज रहित एंजाइम एंड एस्पिलिनेशन पाया जाता है। उच्च ग्लूटामिनेज रोग के जिम्मेवार हैं। भारत में करीब 70% एंजाइम आयात में किए जाते हैं। इनकी कीमत करोड़ों में होती है। इस तरह दवा बनाने में एंजाइम इस्तेमाल होने से इलाज काफी महंगा होता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको सफलतापूर्वक भारत में ही विकसित कर लिया है। एंजाइम मानव शरीर में पाए जाने वाले एक तरह के प्रोटीन होते हैं। ये शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शन की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। इन्हें एंजाइम की बदौलत शरीर खुद को वातावरण के लिए अनुकूलित ढाल पाता है। हम कुछ खाते हैं तो वह टुकड़े शरीर में प्रोटीन की मात्रा के बढ़ाने के लिए एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एंजाइम खाकर बच्चों में ब्लड कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, ल्यूकेमिया, LLL के इलाज के महत्वपूर्ण है। यह ब्लड कैंसर के लिए बनाने वाली दवा के लिए अहम योगदान अदा करता है। लिम्फोमा कैंसर के उपचार के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंजाइम खाद्य निर्माण क्षेत्र में स्टार्च और शुगर बनने के लिए क्रिकलामाइड कैंसर कारण नामक रासायनिक पदार्थ को मात्रा को कम करने में सहायक है, जो कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत अच्छी एक उपचार जो है भारतीयों के लिए बना दी है। पर इसके साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर जैसे घातक रोगों से बचाव में लहसुन प्याज की भूमिका सामने आई है। एक एलियम सब्जियों मसलन लहसुन प्याज और हरी सब्जी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के खतरे को कम किया जा सकता है। यह कैंसर क्लोन मसाले में होता है और कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। शोधकर्ताओं के अनुसार उच्च मात्रा में लहसुन और प्याज खाने वाले वयस्कों में कोलेस्ट्रॉल का खतरा 79% कम पाया गया। यह निष्कर्ष 1833 रोगियों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया। चीन की चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट अस्पताल में शोधकर्ताओं में ली ने कहा कि हमारी अध्ययन में यह जाहिर होता है कि ज्यादा मात्रा में एलियन सब्जियों का सेवन करना बचाव के लिहाज से बेहतर हो सकता है। नतीजों की यह बात रोशनी पड़ती है कि जैव शैलियों में बदलाव के जरिए कोलेस्ट्रॉल कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। तो इस तरह लहसुन और प्याज में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ कैंसर की जो है बीमारियों में भी बहुत अच्छी तरीके से इलाज संभव हो सकता है। बैक्टीरिया पर शोध का सार्थक परिणाम मिला है। फ्राई करने से बेकिंग के दौरान खाद्य पदार्थों में एलिमाइड का गठन होता है। यह पदार्थ चीनी और एमिनो एसिड द्वारा उच्च तापमान पर प्रतिपादित होता है, जो आलू तथा स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। भोजन में एलिमाइड कैंसर का कारण है। एलिमाइड में खाद्य निर्माण के क्षेत्र में उपयोगिता। तो इस तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर के लड़ने के लिए एक और सफलता हासिल कर ली है, जो हमारे आने वाले फ्यूचर में बहुत अधिक कारगर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।